नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप चौधरी स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी के साइको टेस्ट के बारे में बात करेंगे। साइको टेस्ट एनटीपीसी का लास्ट स्टेज होता है। इससे पहले आप लोगों को प्री और मेंस करके दो एग्जाम पास करने होते हैं। जो लोग इन दोनों एग्जाम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं उनका ही ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हम कैसे कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एनटीपीसी कवर करती है। एनटीपीसी यानी कि जो भी जस्ट वैकेंसी चल रही है इसमें होता है ये। इसके अलावा जीडीसी के लिए होता है। ये जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए होती है, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं रेलवे के अंदर, उन लोगों को प्रमोशन के लिए, अगर स्टेशन मास्टर के लिए प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी ये जीडीसी वालों को ये एग्जाम देना होता है। ऐसे ये डीएफसीसीआईएल है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का है। ये भी एक रेलवे की वैकेंसी है, इसके लिए भी साइको का एग्जाम होता है। और ये साइको के एग्जाम को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ये मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ये सभी के सभी का एग्जाम्स का मतलब है एक ही है, ये सारे के सारे एप्टीट्यूड टेस्ट के ही नाम है अलग अलग, और इन सभी का सेंस एक ही निकलता है। ये लगभग रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम की थर्ड स्टेज होती है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में तीसरे नंबर की स्टेज आती है। पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस क्लियर करना पड़ेगा। उन दोनों को क्लियर करने वालों को ही साइको के एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जाता है। साइको के एग्जाम्स को देने वाले लोग या तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा वो होंगे, या ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा वो लोग होंगे। ये दो ही पोस्ट वाले लोग ऐसे हैं जिनको कि साइको का एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना। जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी सबसे सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उन सबको छांटना इसका मेन उद्देश्य है। इस परीक्षा के अंदर पांच प्रकार के परीक्षण होते हैं। जिन पांच प्रकार के परीक्षणों के अंदर 165 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को हमें 48 मिनट में करना होता है। दोस्तों, आपने देखा जैसे कि 165 क्वेश्चन और 48 मिनट, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हमें सटीक आंसर देना पड़ेगा। और ये अगर हम इसको कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग हमारा एक क्वेश्चन करने के लिए 17 सेकंड का टाइम मिलता है हमें यहाँ पर। इतने कम समय के अंदर हमें इतने सारे क्वेश्चन को स्पीड से करना होगा। दोस्तों, ये जो इसकी पांच परीक्षण मैंने पहले लास्ट उसमें बताए थे, वो पांच परीक्षण के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला परीक्षण, इसका नाम क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को आने से पहले हमारे पास 3 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शंस आएगी। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे और इस टेस्ट को देखेंगे कि ये टेस्ट कैसे होता है, इसको कैसे किया जाएगा, इसके आंसर कैसे दिए जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ होगा। जैसे ही ये 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास में जो हमारे 35 क्वेश्चंस हैं वो हमें दिखने लग जाएंगे। इन 35 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास टाइम है 10 मिनट का। दोस्तों, 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चंस को करना है आपको, इसलिए यहां पर ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। और जैसे ये 35 क्वेश्चंस का 10 मिनट पूरा हो जाएगा तो एक ब्रेक टाइम आएगा 1 मिनट का। इस ब्रेक के टाइम के अंदर आपको इसका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट दिखाई देगी कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने छोड़ दिए हैं, वो आपको यहां दिखाई देगा। जैसे ही दोस्तों ये 1 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम अगली सेक्शन पे पहुंच जाएंगे हम, और अगली सेक्शन होगी हमारी एड ऑफ ओड नंबर या फिर काउंट ऑफ ओड नंबर। अभी तक ज्यादातर एग्जाम्स में एड ऑफ ओड नंबर का यूज हो रहा था, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्स में, डिपार्टमेंटल कुछ एग्जाम्स के अंदर काउंट ऑफ ओड नंबर भी आया है, इसीलिए हमने इसको भी कवर किया है यहां पर। दोस्तों, इसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों यहाँ टाइम 8 मिनट का होता है, लेकिन सेम जैसे ऊपर में था ऐसे ही पहले 3 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। जैसे ये इंस्ट्रक्शन टाइम में हमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को करना है, इनको हमें जोड़ना है या काउंट करना है। ओड का मतलब विषम संख्याओं का जोड़, इसको हमें जोड़ना है या काउंट करना है वो यहां पर आपको बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन के टाइम में। इसके जैसे इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी हमारे पास ये 30 क्वेश्चन शो करेंगे और इन 30 क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के लिए 8 मिनट का टाइम लगेगा।
जैसे ये टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास में वापस से 1 मिनट का ब्रेक आएगा। ये ब्रेक हमें दिखाएगा कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने छोड़ दिए हैं, पूरा हमें इस सेक्शन का रिपोर्ट दिखा देगा। ये जैसे ही ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट पूरा का पूरा, हमारे पास फिर से एक नई सेक्शन आ जाएगी जिसका स्पेक्ट्रल स्कैनिंग नाम है या जिसको शॉर्ट पॉसिबिलिटी रूट भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 ग्रुप में होंगे, 10-10 क्वेश्चंस के ग्रुप में, 10-10 क्वेश्चंस के 4 ग्रुप के अंदर होंगे। ये हमें एक एक ग्रुप वाइज सारे के सारे सोल्व करने हैं। यहाँ एक टेबल टाइप में होगी, उसमें हर एक टेबल से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस होंगे। इसको करने के लिए हमारे पास में 8 मिनट का टाइम है, लेकिन वही 3 मिनट के लिए हमारे पास पहले इंस्ट्रक्शंस का टाइम आएगा जहां हमें बताया जाएगा कि कैसे इस पेपर को सोल्व करना। वहां एक डेमो दिया हुआ होगा इंस्ट्रक्शंस के लिए, थोड़ा देखने के लिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर हमें कैसे सोल्व करना है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन खत्म होंगे हमारे पास में 8 मिनट के लिए हमारा पेपर आ जाएगा। इस 8 मिनट के अंदर हमारे पेपर को कंप्लीट करने के बाद में या 8 मिनट पूरा होने के बाद में हमारे पास वापस से वही ब्रेक का टाइम आ जाएगा 1 मिनट का। इस ब्रेक के ड्यूरेशन के अंदर हमें इसका पूरा का पूरा रिपोर्ट दिख जाएगा, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए। वो कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास में फिर नेक्स्ट एक सेक्शन आ जाती है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ये इस सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे और इन 25 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 10 मिनट का टाइम होगा। दोस्तों 10 मिनट जैसे आप लोग देखते जा रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, आप चिंता ना करें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पे होता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप ये इनको फटाफट से हल कर पाएंगे और आपके पास टाइम बच जाएगा हल करने के बाद में भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जैसे इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, इनको करने से पहले वही हमारे पास 3 मिनट के लिए पहले इंस्ट्रक्शंस का टाइम आएगा जो हमें बताएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे हमें सोल्व करना है और इनका कैसे हमें आंसर देना है। जैसे 3 मिनट पूरे हो जाएंगे हमारे पास में, वापस से हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा और हमारे 10 मिनट के अंदर हमें ये 25 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जैसे पेपर कंप्लीट, हमारे पास में वापस से एक रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास में, कितने क्वेश्चन हमने किए, कितने वापस से हमने नहीं किए। दोस्तों उसके बाद में फिर हमारे पास लास्ट सेक्शन आ जाती है एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से। इस टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं। इन 35 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 12 मिनट का टाइम होता है और ये हमारी लास्ट सेक्शन है। इसको करने से पहले वही हमारे पास 3 मिनट के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताएंगी कि हमें ये पेपर कैसे सोल्व करना है, इसके आंसर कैसे देने हैं या क्या उसमें हमें करना है, वो सावधानियां, वो सारी चीजें हमें वहां दिखाई जाएंगी। जैसे ही वो 3 मिनट कंप्लीट होंगे हमारे पास 12 मिनट में 35 क्वेश्चन शो कर जाएंगे और हमें इनको अटेम्प्ट करना है। जैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया और 12 मिनट पूरी हुई, हमारे पास में इसकी भी हमें सेक्शनल रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी और साथ में एग्जाम एंड हो जाएगा हमारा और सारे पांचों के पांचों सेक्शन की हमें वहां पर रिपोर्ट दिखाई देंगी कि हमने किसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो ये तो था हमारा दोस्तों अलग अलग सेक्शन वाइज हमारे पास में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में आते हैं और कितने उनका क्या क्या टाइमिंग है, किसमें कितना ब्रेक है, किसके अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस का टाइम है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये साइको का एग्जाम डिपार्टमेंट लेता क्यों है। साइको का एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसको लेने के बाद में वो आप लोगों की शक्तियों का, आपके पॉजिटिव और कमजोरियों को उनको निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, वो लोग उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितने पॉजिटिव सोचने वाले हैं, आपकी सोच कितनी नेगेटिव है, आपका माइंड की प्रेजेंस कितनी है, आप कितना याद रख सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही जरूरी चीज है कि ये साइको का एग्जाम पास करने के लिए आपको बहुत ही रेगुलर अभ्यास की जरूरत है। अगर आपने रेगुलर अभ्यास नहीं किया तो साइको का एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है कि साइको के एग्जाम के अंदर सभी सेक्शन में पास होना जरूरी है। हमारा पुराना एक्सपीरियंस है पिछले बार का कि 2017 के अंदर भी और अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी बच्चे फेल हो गए काफी सारे, रीजन कि उन्होंने कुछ सेक्शंस में अच्छा प्रदर्शन किया बाकी में फेल हो गए। जैसे कि उसने क्लासिफिकेशन टेस्ट पास कर लिया, एड ऑफ ऑड इसको पास कर लिया, स्पेक्ट्रल स्कैनिंग को पास कर लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में फेल हो गया और इसको भी पास कर लिया। अब उसका टोटल तो ज्यादा जा रहा है लेकिन उसकी एक सेक्शन फेल हो गई, इसकी वजह से उसका पूरा का पूरा एग्जाम ही फेल हो गया, उसका रिजल्ट फाइनल आउट 0, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि हमें सारी सेक्शन पास करनी है,
किसी भी सेक्शन में हमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर नहीं लेके आने हैं, और ये तभी आएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों इस परीक्षण में क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका समय बहुत कम होता है और अधिक क्वेश्चनों की वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करके रखना है कि जितना सेक्शन का टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। दोस्तों इस परीक्षण के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है आप लोगों के लिए। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपके हो सकता है मार्क्स ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों ये एग्जाम पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे करेंगे उतना ही फायदा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड ही होना है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, आपके पासिंग का, आपके पास होने का रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों एक और ही बहुत जरूरी चीज है कि जैसे आपने एक सेक्शन का टाइम क्लासिफिकेशन टेस्ट मान लीजिए उसको आपने पूरा कर दिया और उसके कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया आपने बाद में करने के लिए, तो वो ऐसा यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन टेस्ट का जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा आप उसको दोबारा से वापस से अटेम्प्ट नहीं कर सकते उसके क्वेश्चन को। इसलिए दिए हुए समय के अंदर उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट कीजिए, आगे दोबारा से करने के ऊपर उसका वेट ना कीजिए, क्योंकि वो दोबारा से वो सेक्शन आपके पास में इनेबल नहीं हो पाएगी। दोस्तों अब ये एक बड़े ही अच्छी बात है कि यहां आपका रिजल्ट 6 स्कोर कार्ड में डिवाइड होकर आएगा। आपने टेस्ट दिया 5 सेक्शन का बट रिजल्ट 6 का आ रहा है, तो ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है कि आपने 6 स्कोर कार्ड कैसे बन रहे हैं। ये देखिए यहां पर आपके पास में 5 सेक्शन है, आपका एक स्कोर कार्ड यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, और पर्सनालिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 2 स्कोर कार्ड बनेंगे। इस तरह से आपके 6 स्कोर कार्ड बन जाते हैं। पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके 2 स्कोर कार्ड बनते हैं, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स के लिए, एक आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरा का पूरा साइको का टेस्ट होता है। दोस्तों हम लोग साइको के एग्जाम के, हमें 2017 से इसका एक्सपीरियंस है, 2017 का एनटीपीसी का एग्जाम हम लोगों ने कवर किया था इसके अंदर सबसे पहले, जो कि पहली बार एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट को ऑनलाइन किया गया था उस टाइम पर। दोस्तों उस एग्जाम के अंदर हमारे पास में लगभग 8000 के बच्चे बैठे थे, क्योंकि हम लोग नए नए थे। 8000 बच्चों में से लगभग 3740 बच्चे कैंडिडेट्स हमारे पास में क्वालिफाई किया इस एग्जाम को, बाकी रह गए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट या कुछ गलती वजह से रह गए, उन्होंने लेट ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज को, वेट करते हैं कि हाँ अभी रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करें, और रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद में एग्जाम हो जाता है, तो ये भी एक रीजन रहा है उनके लिए। और उन्होंने प्रैक्टिस भी कम की थी, क्योंकि हम लोगों ने उनसे पर्सनली फोन पे भी बातें की, उनके व्हाट्सअप चैट्स पे भी बात की, उन्होंने बताया अपनी प्रॉब्लम्स को कि हमने ऐसे ऐसे इसमें फेल हो गए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने एक सेक्शन में कम अटेम्प्ट किया, बाकी में अटेम्प्ट ज्यादा किया, तो वो सेक्शन उनका फेल हो गया। तो इसीलिए दोस्तों आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से कंप्रोमाइज ना करें, आप एक अच्छी मेहनत करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, समय का बचत करेंगे इसके अंदर, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपकी की हुई 2 स्टेज की मेहनत को बेकार कर देगा अगर आप इसमें फेल हो गए। तो आपने 2 स्टेज यानी कि प्री और मेंस आप क्वालिफाई करके आ चुके हैं अगर ये एग्जाम देने में जा रहे हैं, तो आपका किया हुआ सारा मेहनत बेकार ना हो, इसीलिए आपको जितना ज्यादा ज्यादा हो सके मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है, मैंने खोल दी, ओपन किए, ये इसको अलाउ कर लीजिए। कभी कभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमें भेजनी होती है आप लोगों के पास में, तो वो हमें इजीली आप लोगों तक पहुंचा पाए। सबसे पहले तो हम इसको लॉगिन करेंगे, इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए पहले से आपके पास में अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। मेरे पास एक अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको डाल देता हूं लॉगिन करने के लिए। जैसे मेरे पास में ये अकाउंट बना हुआ है और मैंने इसको लॉगिन किया, ये लॉगिन होगी साइट। लॉगिन होने के बाद में देखिए आपका इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, और नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप अपना टेस्ट को जाके माई अकाउंट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आप डेमो देने जा रहे हैं, डेमो टेस्ट के लिए आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप तो जस्ट सीधे के सीधे यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज पे आइए, रेलवे में आइए, और रेलवे के अंदर ASM लोको पायलट स्टेशन मास्टर इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ इसकी पूरी डिटेल दी हुई है,
और ये इसका एक फ्री में डेमो टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ये नीचे इसके पैकेज की डिटेल्स हैं, आपको अगर अच्छा लगता है कोई भी पैकेज तो आप यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, अलग अलग किसमें कितने टेस्ट हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये रिज्यूम की जगह स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ होगा आपके पास में, मैंने ये पहले भी दिया इसलिए मेरे को रिज्यूम दिखा रहा है, मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरी टेस्ट की विंडो लोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वही मैंने जो सेक्शंस बताई थी आपको, क्लासिफिकेशन टेस्ट, एड ऑफ ऑड नंबर्स, स्पेक्ट्रल स्कैनिंग टेस्ट, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सभी वही आ रहे हैं। और कितने कितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे वो सारा यहाँ दिखा हुआ है, कितने टोटल मार्क्स होंगे और टोटल इसकी टाइमिंग कितनी होगी 68 मिनट्स, ये विद इंस्ट्रक्शन और ब्रेक के साथ में दिखाई हुई है, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्जाम होना है उसमें आपके 48 मिनट ही मिलने वाली है आपको करने के लिए, बाकी टाइम तो इंस्ट्रक्शन और आपके ब्रेक के लिए यूज में होने वाला है। तो आपने इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, पढ़ा और पढ़ने के बाद में ये यहां से हमने नेक्स्ट कर दिया इसको। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, और ये देखिए एक ये चेकबुक्स है, इस चेकबुक्स पे आपको टिक मारना है। जैसे टिक मार दिया आपको यहां पर आई एम रेडी टू बिगेन पे क्लिक करना है। क्लिक किया तो मैंने बताया था कि आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा सबसे पहले। अब आप देखिए ये इंस्ट्रक्शन का पेज आया हुआ है और जहां टाइमिंग 2 मिनट 51 सेकंड 50 सेकंड दिखा रहा है, और ये सबसे पहली सेक्शन है क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शन। अब क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस के बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा टाइमिंग, हमारे पास में अगला सेक्शन आ जाएगा क्लासिफिकेशन टेस्ट। लेकिन मैं अभी इतना टाइम रुकूंगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए कैसे दिया हुआ है, यहां पर हमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक जो डिफरेंट है उसको हमें यहां छांटना है। मैं इसको स्किप कर देता हूं जिससे हमारा टाइम बच जाए, और मैंने इसको स्किप किया तो ये अभी हमारे पास में इसका पेपर लोड हो गया। अब इन पांचों में पांच आकृतियों में से कोई एक डिफरेंट आकृति में चूज करनी है, चूज करने के लिए हमें यहां पर इन गोलों में टिक करना होगा। कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे मैंने ये देखिए, मैं तो जस्ट आइडिया से लगा रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन को देख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने कोई भी क्वेश्चंस को किया, और इसको मैंने कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए आप क्वेश्चंस की अभी 25 पे आ गए, सबसे लास्ट में पहुंचते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। तो हमने इसको भी अटेम्प्ट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए मैं यहां से इसको भी स्किप कर देता हूं क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, 8 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए हैं, मैं इसको स्किप मार देता हूं। जैसे मैं स्किप मारूंगा, ये एग्जाम में स्किप का ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों के पास में, ये यहाँ हमने हमारी सहूलियत के लिए दिया हुआ, आप लोगों की सहूलियत के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप कम से कम समय में इनको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। अब यहाँ देखिए आपने 35 क्वेश्चन इसमें थे जिसमें से 25 के आंसर दिए, 10 को छोड़ दिया है। ये ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम ये 1 मिनट काउंट हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे माइनस में जा रहा है। अब हमने इसको इससे भी बाहर निकल गए, अगली सेक्शन पे आ गए। अगली सेक्शन है हमारी एड ऑफ ऑड इंस्ट्रक्शंस, कि और नंबर्स को जोड़ना, यहाँ लिखा हुआ होगा साफ साफ आपको करना क्या है, इसमें सब में लिखा हुआ होगा। देखिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें यहाँ क्या करना है, 30 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 135 को हमें जोड़ना है। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको ध्यान से देखना होगा कि वहाँ क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं इसको भी स्किप मार देता हूँ, इसको स्किप किया तो देखिए वही संख्याएं आ गई, बहुत सारी हैं, इनमें से हमें विषम संख्याओं को ढूंढना है, 1, 5, 1, 3, 7, और इन सबको जोड़ते हुए इनका जो भी सुटेबल आंसर होगा वो उनमें से चूज करना है और उस राइट आंसर को टिक मार देना है। मैंने अंदाजे से इसमें टिक मार रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप सही से कैसे सोल्व कर सकते हो, मैं अभी जस्ट आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ ये तो। और इसको मैंने सेव करके इससे भी हम आगे बढ़ गए। अब हम देखेंगे इसमें हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़ दिया, हमने 30 क्वेश्चन में से 16 किए, 14 को छोड़ दिया। तो ये एक हमारी दूसरी सेक्शन होगी, इसका ब्रेक आ गया, मैंने वही बताया था कि 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम आपको यहाँ भी मिलेगा। इससे भी हम बाहर निकलते हैं, अगली सेक्शन पे आते हैं, स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सेक्शन। इसके अंदर भी सेम हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ये अलग अलग, ये एक मैप दिया हुआ है, मैप के अंदर ए से लेके जेड तक के हमारे पास में ये अल्फाबेट नंबरिंग दी हुई है, और इसके अंदर बीच में हमारे पास छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, इन डब्बों के अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर निकालने होंगे, वो आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस को आउट कर रहा हूं, इसके बाद हम मेन टेस्ट पे आते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एक मैप आएगा, उस मैप के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे, तो आप देखिए 6 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, इनमें से आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है
कि जो कोई भी ले लीजिए, वी से क्यू तक का ले लीजिए, तो वी हो गया यहाँ पर और क्यू हो गया यहाँ तक, इसके बीच में आने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कितना है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट होगा जिसमें, तो हमने इसमें ले लिया सपोज कीजिए वी से क्यू में 6 ले लिया हमने। ये कैसे लिया ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे के वीडियोज के अंदर, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम होता कैसे है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गई, मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर भी हमारे पास वही 10 क्वेश्चन हैं 11 से लेके 20 तक के, इसमें भी हमने कोई एक दो क्वेश्चन को सबमिट अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट पे आ गए, इसमें हमारे पास में 21 से लेके 31 तक हैं, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया और ये देखो 40, इसको सेव किया और हमने स्किप कर दिया टेस्ट को। अब हम टोटल देखेंगे तो हमने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 33 को छोड़ दिया है। तो ये हमारे पास में थर्ड सेक्शन आ गई थी। अब जस्ट फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक मिनट का ब्रेक आ गया और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो अभी हमारे पास अगली सेक्शन है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग सेक्शन है। इसका भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम होगा और इसको कैसे सोल्व करना है। ये इसमें एक तालिका दी हुई होगी, दो तालिकाएं हो गई, एक दो, इन तालिकाओं के अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर देने होते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे या हमारी जो क्लासेस लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे इसको फॉलो करना है। मैं इंस्ट्रक्शंस को आउट कर देता हूं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये दो तालिकाएं आ गई, इन दोनों तालिकाओं के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। काफी टाइम देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि इधर से आधा छुपा दिया, अब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। आप डरिए मत, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप इसको स्क्रॉल करके देखिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सेम साइड के इनमें भी हो सकता है कि साइड में छुप गया, जैसे नीचे के क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे, हो सकता है साइड का आपको इतना ही एरिया दिखाई दे रहा हो, तो पहले आप उसको इधर से उधर स्क्रॉलिंग करके देखिए। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गए इस तालिकाओं के अकॉर्डिंग और ये हमने 25 क्वेश्चन आ गए। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं, ये कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। ये जस्ट एक डेमो है, मैंने सेव किया और इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट, अभी हमने यहां पर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 17 को छोड़ दिया, टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं इस ब्रेक को और अगली सेक्शन पे आ जाते हैं। हमारे अगले सेक्शन यहां पर ये देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में 35 क्वेश्चन हैं, 12 मिनट का टाइम है, यहां पर दिया हुआ है कि हमारा कैसे कैसे होगा। मैंने दो स्कोर बताए थे, दो अलग अलग स्कोर निर्गित होंगे, ये यहां दिया हुआ है साफ साफ, ये आपके वहां लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी इंस्ट्रक्शंस को स्किप करते हैं, इसका टाइमिंग ऊपर चल रहा था, अब ये क्वेश्चंस आ गए इसके अंदर, मैं इधर हो जाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस इसमें आ गए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ 3 ही ऑप्शन होते हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर्स के ऊपर कि वो क्या कितने ऑप्शन दे रहा है। और ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव एप्टीट्यूड, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आपके बिहेवियर्स को चेक करते हैं, एटीट्यूड्स को चेक करते हैं, ये कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोचने की कैपेसिटी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ये देखिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन किए और इसको भी हम स्किप टेस्ट कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है, आपका ज्यादा नहीं लूंगा। अब ये देखिए ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास में पूरी, यहाँ रिपोर्ट में देखेंगे सारे सेक्शंस आ गए। देखिए यहाँ पर सेक्शन दी हुई है, सभी सेक्शंस के नाम है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स उसके टोटल थे, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने हमने छोड़ दिए हैं, कितने हमारे सही हैं, कितने गलत हो गए, कितने हमने राइट मार्क्स मिले हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स मिले, नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें बट फिर भी हमने वहाँ ऑप्शन दिया हुआ था, टोटल हमारे कितने मार्क्स आए, हमने कितना टाइम यूज किया इस टेस्ट को करने के लिए, टोटल हमें कितना टाइम मिला और इसमें हमने कितना टाइम टेकन किया, वो हमारा यहाँ भी शो नहीं कर रहा है बट वो भी शो करेगा कि हमने कितना टाइम लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसका टेस्ट देते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में एरर फ्री टेस्ट सीरीज है, हम कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे से फीडबैक लेने की, उनसे ले लेके हम इसको सही करते रहते हैं समय समय पे, और आपको इससे अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप लोग अपना जो भी टेस्ट देने वाले हैं या दे रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, चाहे वो NTPC के एग्जाम्स हो, चाहे वो DFCCIL के एग्जाम हो, आप उनमें 100% सक्सेस हों, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।